Hello students, good morning. Myself Neha, I'm your maths teacher. Students, आज हम maths में कर रहे हैं ascending order. ये हम पहले भी कर चुके हैं. Ascending order होता क्या है? Ascending order होता है बढ़ते हुए क्रम. छोटे number से बड़े number की ओर जाना ascending order होता है. छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, कम से ज़्यादा की ओर जाना ascending order होता है. Okay? देखिए, हमने यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, डॉट्स हैं. इसमें हमने पहले छोटी डॉट लगाई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी. तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है. छोटे से कम से ज़्यादा की ओर गई है ये असेंडिंग ऑर्डर. चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं. यहाँ मैंने आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं. इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है. कैसे लगाएंगे? देखिए, 5, 8, 4, 6, 3. इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा है 3. तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे 3 लिखेंगे. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर छोटा कौन सा है? 4. 4 पे सर्कल लगाएंगे और हम नेक्स्ट नंबर 4 लिखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? हमारे पास क्या नंबर बचे हैं? 5, 8, 6. तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 5. हम 5 पर सर्कल लगाएंगे और 5 को नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट 6 एंड लास्ट में जो हमारा बच गया 8. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है. देखिए, सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 16, 18, 12, 17, 13. इनको भी असेंडिंग में लगाना है. कैसे लगाएंगे? देखिए, फर्स्ट हमारा है 12. ये हमारा सबसे छोटा नंबर है, हम यहाँ लिखेंगे 12. सेकेंड 13, ये हम लिखेंगे 13. नेक्स्ट हमारे पास है 16, 18, 17. इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 16. हमने यहाँ लिखा 16. अब 17 और 18 में कंपैरिजन करके देखिए कौन सा छोटा नंबर है. 17, हम लिखेंगे 17. फिर लास्ट नंबर हमारा 18 है, हम यहाँ 18 लिखेंगे. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया है, 12, 13, 16, 17, 18. ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाए हैं. आपको असेंडिंग ऑर्डर आपकी बुक में दे रखे हैं, पेज नंबर 1313 पर. चलिए देखते हैं. देखिए, पेज नंबर 1313 पर आपको असेंडिंग ऑर्डर दे रखे हैं. असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम, देखिए. ओके, चलिए अब हम करते हैं. 2, 9, 7, 8, 3, 6, 4. इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो इसमें सबसे छोटा नंबर पहले हम देखेंगे. सबसे पहले छोटा नंबर हमारा है 2. तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे 2. ओके, सेकेंड 9, 7, 8, 3, 6 में है और 4 में हमारा सबसे छोटा नंबर 3. हम यहाँ लिखेंगे 3. नेक्स्ट 9, 7, 8, 6, 4. 4 हमारा 4. अब हमारे पास क्या बचा है? 9, 7, 8, 6. इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर 6. 9, 7, 8 में 7, 8 एंड लास्ट 9. देखिए, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5, 6, 9, 3, 7, 4, 2. इसमें सबसे छोटा नंबर 2. फिर हमारा 3,
4, 5, 6, 7 and last में 9, ओके ऐसे ही हम इसको करेंगे। चलिए देखते हैं, अब मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, बाकी जो इस बुक पे पेज नंबर 21 से 13 पे दे रखे हैं ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, आप इन्हें होमवर्क में करेंगे। मैं एक बार आपको लास्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, देखिए 8, 42, 22, 33, 44, 23, 56। तो हमारा सबसे छोटा नंबर 8 ही है, फर्स्ट नंबर पे 8 आएगा, ओके। सेकंड देखिए यहाँ पर डबल डिजिट नंबर है 42, 22, 32, 43, 23। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20 वाली लाइन के कौन से नंबर हैं, एक ये एक ये, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 22, तो हमारा 22 सबसे पहले आएगा। फिर हम कहेंगे 23, क्योंकि 20 वाली लाइन के दो ही नंबर थे 23, 20 के बाद कौन सी लाइन 30, देखिए 30 लाइन के हैं, यस ये रहे 32, और कोई है नो, तो यहाँ पर 32। नेक्स्ट 40 लाइन, देखिए टू नंबर्स हैं 42, 43, तो 42 और 43 में कौन सा नंबर छोटा है 42। नेक्स्ट 40 वाला 43 एंड लास्ट नंबर 56। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं 8, 22, 23, 32, 42, 43, 56। ये तो मैंने आपको बेटा करके दिखाए हैं, अब आपको होमवर्क में पेज नंबर 13 पे ही दे रखे हैं, देखिए ये क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चंस अपने होमवर्क में बुक में ही करने हैं, सभी बच्चे बुक में इसको करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूंगी, लाइव क्लास में भी करवाऊंगी आपको, हम चेक करेंगे सही किया है या गलत किया है, ओके ओके, थैंक यू।